आपके दांपत्य ईंट भी घातक है, इसमें कोई शक नहीं, लोहा भी घातक है, ईंट भी घातक है, मोर पंख भी घातक है। तो आपके आपके मकान में कहीं ऊंचाई पर दीवार पर कहीं मोर पंख वगैरह तो नहीं लगा? मोर पंख तो लगा पंडित जी। तो मोर पंख, ईंट और लोहा ये आपके घर में। अब मोर पंख मेरे ख्याल से मकान में अंदर घुसकर लास्ट में होना चाहिए। मोर पंख ही है वो लास्ट रूम में है ना, लास्ट में जी। तो क्या ये आपका बेडरूम है कि ऐसा ही है स्टोर रूम टाइप का है? नहीं, वो मेरा बेडरूम। गुड, तभी तो हम सोच रहे कि गड़बड़ कहाँ है। तो मोर पंख आपने कब लगाए थे? दो एक साल हो गए? नहीं, मोर पंख तो 3-4 साल का है। मतलब ये लगभग शादी के आसपास से लगे, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, शादी के आसपास ही बोल सकते हैं। तो ऐसा मान सकते हैं क्या कि शादी के सातवें दिन या सातवें महीने में आपके लड़ाइयां या विवाद बिल्कुल स्पष्ट हो गए कि साथ में रह पाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं? सातवें दिन। सही बात है जी। अब आप मानते हैं कि ज्योतिष विद्या सही है कि गलत? एकदम सही है, क्योंकि सातवें दिन या सातवें महीने में ही ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि साथ में रह पाना मुश्किल है, कठिन है जी। अब देखो छा साहब, अगर ये मोर पंख आपने बेडरूम में नहीं लगाए होते तो मैं लिख के देता हूं कि ये उपद्रव नहीं हो जी। छत पर ईंट, छत पर लोहा जी, या छत पर बैल का सींग आपके छत पे, हम बता रहे ये चीजें आपके लिए घातक, या छत पर किसी प्रकार की हड्डी, सींग भी हड्डी है जी, और किसी प्रकार की हड्डी, अब हो सकता है कि कुछ पक्षियां पक्षी ला के छोड़ देते हैं, कई बार ऐसा होता है, कौए ले आते हैं, कुछ भी ला देते हैं, ऐसा हो जाता है जी। और मोर का पंख, अच्छा मोर का पंख भी ऊंचाई पर लगा है थोड़ा सा, पहले ऊंचाई पे था, अभी मेरे बगल में है। देखिए अब तो बहू रानी दूसरी जगह चली गई, अपने मायके चली गई है, विवाद चल रहा जो भी है जी, तो अब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये विवाद चल रहा था तब ऊंचाई पर थे पंख, मोर पंख? हाँ, पंख ऊंचाई पे थे। ये मोर पंख आपके, एक और जानना चाहेंगे कि दो मोर पंख थे, 6 थे या 10 थे? 2 थे। देखिए कितनी बारीक है ज्योतिष, है ना जी।